गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एकदम नए व्लॉग में। तो भाई बहुत टाइम बाद अपना व्लॉग लेकर आ रहे हैं। तो भाई आप सभी को बता दूं, आज है जन्माष्टमी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जन्माष्टमी का ऐसा एक भी व्लॉग नहीं जाता जो हम ना डालते हो। हर बार जब दो साल से हर बार ही हम जन्माष्टमी बना रहे हैं। तो इस बार भी हम आ गए हैं आपको लेके इस्कॉन शिव विहार टेम्पल के अंदर। आपको दिखाता हूँ अंदर टेम्पल के अंदर ले जाके। अभी फिलहाल आरती का समय है, चलते सीधा मंदिर के अंदर और आपको दिखाता हूँ आज कैसा माहौल है। आइए मेरे साथ। तो भाई देखो, ये है आज का शेड्यूल। आज डेट है 7 सितंबर। नीचे देख सकते हो भाई, प्रभुपादा ग्लोरिफिकेशन 8 AM to 10:30 AM। उसके बाद महाअभिषेक 10:30 बजे होगा, महाआरती 12:30 बजे, प्रसादम 2 बजे। उसके बाद प्रभुपाद ग्लोरिफिकेशन 7:30 से लेकर 9 बजे तक, और आखिरी में होगा प्रसादम की व्यवस्था। वो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा एक करके। फिलहाल चलते हैं मंदिर के अंदर, आप सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आरती। आई हरे कृष्णा से प्रार्थना है कि जो भी कीर्तन कर रहे हैं
वो वैष्णव सॉन्ग के गाए बाहर के सॉन्ग में गाए थे। सबसे पहले आपको दिखा दूं डिवोटीज को क्या क्या सेवा मिली है। प्रभु जी आज आपको क्या सेवा मिली है? प्रभु जी आज मेरी सेवा है विप्लव में रजिस्ट्रेशन कराने की। तो प्रभु जी जरा बताएंगे विप्लव फेस्टिवल कब होने वाला है इस बार? विप्लव फेस्टिवल होने वाला है 20 तारीख से 22 तारीख तक, 22 अक्टूबर में, वो भी गोवर्धन में। तो आप सभी को बता दूं पिछले बार भी गोवर्धन में मनाया गया था, तो आप जरा पिछली बार का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे भक्तों के साथ? यस प्रभु जी, पिछली बार अप्रोक्स धोती कुर्ता में 5,000 भक्त आए थे और ये हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड था हमारा। तो ये पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया और फिर से हम तोड़ने वाले हैं जब इतने सारे भक्त एक जगह इकट्ठे हुए थे, है ना? यस प्रभु जी। तो इस बार कितने डिवोटीज की आशंका है, कितने डिवोटीज आएंगे इस बार? 7,500। तो मतलब हर साल एक तरीके से देखा जाए तो 2,500 डिवोटीज बढ़ते जा रहे हैं, है ना? तो गाइस देखिए 20 से 22 अक्टूबर को जा रहे हैं गोवर्धन के अंदर होने वाला है इस बार विप्लव फेस्टिवल। प्रभु जी जरा बताएंगे विप्लव फेस्टिवल एक तीसरा विप्लव फेस्टिवल है या दूसरा विप्लव फेस्टिवल? यस तीसरा है, तीसरा विप्लव है। जो पहला हुआ था आई थिंक वृंदावन में हुआ था, उसके बाद गोवर्धन में हुआ था, तीसरा भी गोवर्धन में होने वाला है ना प्रभु जी? तो भाई इस बार भी अगर आपको जुड़ना चाहते हो ना तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये आप फिलहाल यहाँ पर डिटेल्स दे सकते हो। देखिए तो प्रभु जी का कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी आपको क्या सेवा मिली है आज? डोनेशन से मेरी सभी के सेवा पद टेंपल। तो देखिए प्रभु जी को आज वाली सेवा मिली है, चलिए आगे चलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस तरफ सारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इस तरफ दान पात्र और देखिए इस तरफ ये भक्त यहाँ पर शरबत की सेवा कर रहे हैं। बाबू कैसा लग रहा है शरबत की सेवा करते हुए? अच्छा लग रहा है। कितनी देर हो गई करते हुए? टाइम याद नहीं देख रहे हो? सुबह से लगे हुए हैं, पता नहीं है कितनी देर हो गई है। ये होती है भक्तों की आस्था। और इस तरफ हो रही है प्रसादों की व्यवस्था, जो भी लोग जा रहे हैं उनको प्रसाद दिया जा रहा है। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको दिखाते हैं अंदर कैसा माहौल है। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको जन्माष्टमी का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो भाई आज हरे कृष्णा हरे कृष्णा मेरी भी फोटो बना लो। तो माता आप आते रहते हैं इस मंदिर में? हाँ, आते रहते हैं। आप यहीं पर रहते हैं? इटावा से। तो भाई देख सकते हो इटावा से लोग आते हैं स्कॉन चीज बनाने टाइम पर, इतनी दूर दूर से। ये होती है आस्था हरे कृष्णा। कुछ कहना चाहेंगे माते आज जन्माष्टमी के तौर पर? बेटा मेरा तो बस यही लगन है, यही है कि सब लोगों को हरे कृष्ण का महामंत्र जवान पर हो। मुझे इस मंदिर से इसलिए प्रेम है कि मेरे प्रभुपाद जी ने यहाँ पर रिसर्च किया 25 साल, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पूजा करी यहाँ पे, सारा ब्रह्मांड में उन्होंने पूरे विश्व में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। माता आपसे एक सवाल है। बेटा हरे कृष्ण की भक्ति आप बहुत समय से कर रहे हैं, आपके इन चंद शब्दों ने बता दिया जी बेटा। तो जरा बताएंगे आपकी आस्था से आपको अपने जीवन में क्या बदलाव लगे? में बदलाव लगा कि मैं हरेक के कान में हरेक के मुंह से यही सुनना चाहती हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों ये है भक्तों की आस्था, आपने देखा होगा। मैं वीडियो एंड ही करने वाला था तभी माते आई और माते ने मेरे को रोक के बोला कि मुझे वीडियो में लो और समझाओ दुनिया कैसे हरे कृष्णा की धुन में रंग दी जा रही है। पूरा विश्व छाया हुआ है इसी में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण पत्ती सबकी छूट गई पूरे विश्व में, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। माते जल्दी से मंदिर में कहा ना कि आपका इंतजार कर, हरे कृष्ण करके आज दुबई जा रहे हैं, अब शादी जाएंगे। ओके हरे कृष्णा माते। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो जल्दी से आप सभी को बता दूं राधाअष्टमी भी आने वाली है, 14 दिनों बाद मिलेंगे आपको राधाअष्टमी वाले दिन भी। तो अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।